शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद और स्वर विज्ञान, स्वर योग का क्या संबंध है। और अनेक लोगों ने, अनेक साधकों ने, अनेक मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया है कि गुरुजी, हमारे स्वर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, चाहते हैं कि चंद्र स्वर चले लेकिन चलता है सूर्य, दिन भर सूर्य स्वर चलता रहता है, स्वर बदलता नहीं, इच्छा अनुरूप स्वर उनकी बात नहीं मानता, अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में कहूँ तो अपनी मनमर्जी चलाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से, क्या क्या कमियाँ हो रही हैं, क्या क्या बातें हैं जो छूट रही हैं हमसे, जिनके कारण से स्वर आपके वश में नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये तीन बातें जान लीजिए। जैसे हमारी शरीर को कुछ भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से तो स्त्री और पुरुष दो तरह के मनुष्य शरीर होते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में भी तीन कैटेगरीज हैं जो कि आयुर्वेदा ने हमें बताया है, आयुर्वेद के आचार्यों ने, आयुर्वेद के महर्षि संतों ने हमारे को ज्ञान दिया है, वो है वात, पित्त और कफ। अगर मैं बहुत ही आसान हिंदी में, आसान भाषा में वात, पित्त और कफ को बताऊं, तो वात का मतलब है वायु। जिन लोगों को गैस बनती है, पेट फूल के गुब्बारा हो जाता है, वो है वात का लक्षण। पित्त मतलब अग्नि, गर्मी से होने वाले जितने भी रोग हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अपाचे है, खट्टे डकार आना, खाना पचना नहीं, उल्टी हो जाना, पित्त के लक्षण है। फिर है कफ, वजन बढ़ जाना, शरीर फूल जाना, खांसी होना, बलगम निकलना आदि, ये सब कफ में आता है। तो इन तीन मुख्य तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, वात, पित्त और कफ। जब ये वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस में नहीं होते, तीनों उस अवस्था में, उस मात्रा में नहीं होते जैसे इन्हें होना चाहिए, तब हमें रोग उत्पन्न होता है। कभी कभी वह रोग दृश्य होता है, कभी कभी वह रोग अदृश्य होता है। दृश्य माने तो हमें पता चल जाता है कि मुझे रोग है, ये मुझे खांसी आई, मुझे पता चल गया कि मुझे खांसी आई, मुझे रोग है, सिर में दर्द हुआ, मुझे पता चल गया, मुंह में छाले हुए, मुझे पता चल गया, ये दृश्य अवस्था है रोग की। एक अवस्था होती है अदृश्य, जब हमें रोग पता नहीं चलता, रोग तो है भीतर हमारे लेकिन पता नहीं चलता, अदृश्य सुप्त अवस्था में वह रोग हमारे शरीर और मन में विद्यमान होता है। लेकिन हम किस तरह से, आज आपको मैं बताऊंगा, आप अपना परीक्षण, अपना निरीक्षण कर सकते हैं इन तीन सूत्रों के माध्यम से, वात, पित्त और कफ के माध्यम से। यदि किसी साधक का, यदि किसी योगाभ्यासी का सूर्य स्वर अत्यधिक चल रहा है, आजकल भारत देश में गर्मी का मौसम बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी आ रही है, किसी का अगर सूर्य स्वर अधिक चल रहा है, तो इसको समझ लें कि आपका वात, पित्त, कफ बैलेंस नहीं है। अगर आपका चंद्र स्वर अत्यधिक चल रहा है, उसका भी यही मतलब है कि वात, पित्त, कफ बैलेंस नहीं है, इसलिए शरीर आपके अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है, मैंने तीन कैटेगरीज में इसको बांटा है, उसको भी जान लें। एक तो है आपका भोजन, किस तरह का आप भोजन करते हैं, किन किन माध्यमों से आप अपने वात, पित्त, कफ को और स्वर साधना को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है भोजन, भोजन अर्थात बैलेंस डाइट। आपने सब कुछ खाना है, एक तरह का भोजन नहीं खाना, एक तरह का भोजन नहीं करना, कितना भी स्वाद हो भोजन खाने में लेकिन उस पर टूट नहीं पड़ना। ऐसे नहीं कि एक ही तरह का खा लेते हैं क्योंकि मुझे तो स्वाद लगता ही है, ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। आपने अपने साधना को केंद्र में रखते हुए अपने भोजन को औषधि समझ के ग्रहण करना है, वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी है, इस बात को आप समझें। दूसरी मुख्य बात है आपके शरीर का प्रकार और आपके शरीर का क्रियाकलाप, आपका दिनचर्या क्या है, आप सुबह किस समय जगते हैं और आपका क्रियाकलाप क्या है, व्यायाम आदि करते हैं कि नहीं करते हैं, शरीर जरूरत से ज़्यादा वजनदार है कि नहीं है,
बैठने का काम ज़्यादा है या खड़े होने का काम ज़्यादा है, इन सब बातों को आपको देखना पड़ेगा। और खाने में एक और बात भी मैं बता दूँ, आम तौर पे लोग अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, आत्मग्लानी से भर जाते हैं, ओ मुझे तो मीठा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलते हैं लोग गुरुजी मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं तो मीठा बहुत खाता हूँ। मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप मीठे के साथ साथ मीठा खाना, मीठे से देखो क्या बनेगा, मीठे से कफ बनेगा, वजन शरीर का बढ़ेगा, भारी हो जाएंगे आप, और भारी हो जाएंगे तो फिर आपका वात और पित्त जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, साधना आपकी ख़राब होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें हर चीज़ को। जैसे मीठा आप कुछ भी खाएंगे ना तो आपको कभी भी अपाच्य नहीं होगा, आमतौर पे 90% केसेस में मीठा खा लो आपको, जैसे रसगुल्ला खा लो, फिर गुलाब जामुन खा लो, फिर जलेबी खा लो, फिर आइसक्रीम खा लो, फिर कुछ और मीठा खा लो, आपको अपाच्य की समस्या नहीं होगी, कम से कम पेट भारी हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप नमकीन खाना खाओगे, मिर्च मसाले वाला, नमक वाला, दाल चटनी, ये सब चीज़ें, समोसा खा लिया, फिर पकोड़ा खा लिया, फिर भेलपूरी खा ली, फिर कुछ और खा लेंगे, फिर गोलगप्पा खा लें, फिर पानी पी लें, ऐसे चटपटा खाना खा लें, वो फिर बोलते हैं लोग दिल मचला रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी किससे, मसाले वाले खाने से। क्योंकि मसाला वाला खाना क्या बनाएगा, वो बनाएगा पित्त, मतलब कि फायर, अग्नि, समझ गए। और मीठा खाना ज़्यादा क्या बनाएगा, कफ, जिससे आपका वज़न बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं ज़्यादा मीठा मत खाओ, वज़न बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो कफ बनाता है। तो आपका शरीर का प्रकार क्या है, आप उस पर खुद मनन चिंतन करें, क्या मेरे शरीर का व्यायाम दिन भर पूरा है, जितना होना चाहिए उतना है, क्रियाकलाप उतना है कि नहीं है, वो बैलेंस होना चाहिए। और तीसरी और सबसे मुख्य बात है आपकी मनोअवस्था, आपका भोजन, आपका शरीर, आप किस अवस्था में उसको ग्रहण कर रहे हैं। भोजन आपने किया, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोधित मन है, आप भोजन कर रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट 56 भोगों का भोजन कर रहे हैं, बहुत तरह तरह के उसमें पकवान है, वो सब आप उसको विष बना दोगे, सारा वो जहर बन जाएगा। इसलिए आपकी मनोवस्था क्या है, सबसे मुख्य है ये हमारी साधना में, कि आप किस मनोवस्था के साथ अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल शांत होकर, प्रसन्न मुद्रा में होकर हाथों और पैरों को धो लें, फिर भोजन आप ग्रहण करें, ढीले वस्त्र पहने हुए, आपको भोजन का पूर्ण लाभ मिलेगा, साधना की दृष्टि से पूर्ण लाभ मिलेगा। कोशिश ये करें कि थाली में जो कुछ भी है उसको ख़त्म कर दें, कुछ भी बचाएं नहीं, खाना बेकार ना करें। और आप किस मनोवस्था में अपनी साधना करते हैं, अपने शरीर को आप एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कितना व्यायाम करते हैं आप, यह आपको, क्योंकि मैं तो आपके पास नहीं हूँ, इसलिए स्वयं ही चिंतन और मनन करना पड़ेगा। तो इन तीन बातों को आप ध्यान रखें, वात, पित्त और कफ, और तीन नियम मैंने बताए, आपका भोजन, आपका शरीर किस प्रकार का है और आपकी मनोवस्था। ये बात भी सच है कि आमतौर पे हम जब साधना करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत दुर्भावना से कोई कार्य कर रहे हों और उसके दुष्परिणाम हमारे ऊपर ही आते रहें। कोई भी कार्य हमने किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं करना है, और किसी के प्रति भी वैर द्वेष का भाव नहीं रखना है मन में। यही हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है और इसी को ही हमने पालन करना है। और एक और मुख्य बात बता दूं मैं आपको, अगर आप मुंह में छालों या अल्सर जिसे कहते हैं उसके आप शिकायत करते हैं, योगेश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया ऐसे, तो आप इस बात को भी समझ लें, आप समझ गए होंगे अब तक कि भोजन किस प्रकार का आप कर रहे हैं। भोजन से आपके जो है पित्त बन रहा है, अग्नि बन रही है, अपाच्य है, आपको पाचन जो है क्रिया आपकी ठीक नहीं है, इसलिए आप जो है मुँह में छाले हो जाएंगे। हर एक बीमारी, आप ध्यान रखिए इस बात को, अगर मेरे नाखून काटते समय मेरा नाखून ज़्यादा कट जाता है या
कोई और खनौच लग जाती है, चल रहा चलते चलते कहीं और ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं कहीं, कुछ भी आप करेंगे, कहीं भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपकी साधना में बाधा बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। अगर कहीं खनोच कहीं लग गई शरीर में, कहीं कुछ चोट लग गई, तो कितने दिन आप साधना से फिर आप छूट जाओगे, आप इस पर भी ध्यान रखिए। इसलिए अपने शरीर का एक मंदिर की तरह ध्यान रखना है और अपने आप को स्वस्थ बनाकर रखना है। और अभी मैं एक और चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आयुर्वेद के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अनेक मित्रों ने, अनेक साधकों ने पूछा कि गुरु जी ये बीमारी है, ये बीमारी है, लेकिन उसका जो मेरे को मेरे गुरु ने ये सिखाया है कि एक शास्त्र कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, अनेक अन्य शास्त्रों का सहारा लेकर एक पूरा पैकेज बनता है, एक ब्रह्मास्त्र बनता है। जैसे योग को आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है, दोनों में कोई बैर नहीं है, आयुर्वेद को योग का सहारा लेना पड़ता है, ज्योतिष को योग का सहारा लेना पड़ता है, कर्मकांड को योग का सहारा लेना पड़ता है। ज्योतिष, योग और आयुर्वेद तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, और तीनों किसके लिए जुड़े हुए हैं, हमारी साधना के लिए, ताकि हम साधना मार्ग पर अग्रसर होकर अपनी साधना को बलवान कर सकें, बलवती कर सकें। तो आप इस बात को समझ लें कि अपने शरीर को आपने बैलेंस रखना है। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप उसलिए उसका सेवन नहीं करते, वो पाँचवीं क्लास का बच्चा जो है वैसी बातें करता है। आप अगर साधना की बात कर रहे हैं तभी इसलिए आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उसको आप फॉलो भी करें, आप उसका पालन भी करें। और एक मित्र का ये भी प्रश्न था कि जब भोजन करने लगते हैं तो सूर्यस्वर में करने लगे, लेकिन बीच में चंद्र चल जाता है, तो मुझे लगता है कि उसका भी मैंने जवाब दे दिया है कि अपना भोजन आप बैलेंस करें, दैनिक क्रियाकलाप अपने बैलेंस रखें, वातपित्त कफ आपका बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करें, और शरीर जो है ना मसल्स बनाने से ज़्यादा लाभ होगा नहीं। आपका शरीर का स्वास्थ्य का संबंध मसल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।